तो जो मैंने अपने ये क्लासिक में नाइट आई की एलईडी डाली थी, तो दो चार इशू हुए थे। जैसे कि जो पुरानी क्लासिक है या पुरानी बुलेट है, उसमें शायद ये आगे का हेड का छोटा था, तो कई लोगों में सेट नहीं हुआ था। फिर एक जन ने कमेंट किया था कि जो वो एसी का मतलब सॉरी जो पीछे का फैन है जो हीट निकालता है, वो इसके मीटर को भी पिघला सकता है ऐसा। तो हो सकता है भाई वायरिंग डैमेज हो सकती है, खास करके जो अभी कंटिन्यू चलने वाली हेडलाइट है उसमें तो तकलीफ हो सकती है। ठीक है, बैटरी का भी इशू आता है, तब ये मस्त बेस्ट ऑप्शन है, लोकल अपने मतलब इंडियन प्रोडक्ट है। उसके सामने दो आपकी फिलिप्स और ओसम की बाहर की भी प्रोडक्ट है, तो दो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं पहले प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, और दो जो ऑप्शन है वो भी आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले तो आप इसका सेटअप देख लो। ठीक है, अभी मैंने इसमें एलईडी है इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें फोग लैम्प ही, ओ सॉरी हेलोजन ही है। अभी अपने एलईडी इस्तेमाल मतलब इंस्टॉल करने वाले हैं, तो पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट के बारे में तो एक तो आपको पहले को एक वीडियो मैंने शेयर किया था लूमेक्स का, वो लिंक दे दूंगा, इसका देख लेना। ये अच्छी नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं है एक्चुअल में, एक प्लगइन भी ऑप्शन है मेरे एवेंजर में है। एक्चुअल में ये है, आपने नाम सुना होगा फोनिक्स, उसकी एलईडी है, फोनिक्स है, 12 वोल्ट, 6000 केल्विन के आसपास है, के है मतलब, और 12 वोल्ट की है। ठीक है, तो डायरेक्ट लग सकती है आपको, पीछे कुछ ना फैन है, सेम इसका H4 ऐसा सेटअप है। अभी मैं H4 बल्ब निकालता हूँ तो आपको दिखाता हूँ सेम। हाँ, बस थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसकी लेंथ लंबी है, तो वो शायद, पर इसका रिफ्लेक्टर बराबर है। हाँ, आपने प्लेन करवाया तो तकलीफ हो सकती है, जैसे आपने प्लेन करवाया हो तो शायद तकलीफ हो, पर अभी आपका ये वाला वाला है तो उसकी तकलीफ नहीं होने। सेम H4 है, मैंने अपने हंटर में काफ़ी दिन तक चलाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और बाकी जो सब ये लूमेक्स भी प्रीमियम प्रोडक्ट है, लेकिन वो जो क्वालिटी की सबसे ये अच्छी लगी, लाइफ भी अच्छी है, प्राइस भी बराबर है, 650 की रेंज है, ये भी है, ओसरम भी है, और फिलिप्स का भी, ऑनलाइन तीनों की लिंक दूंगा, लेकिन ये फोनिक्स है। तो पहले इसको खोलेंगे अपने, अपने जो क्लासिक पुरानी वाली आती है उसमें सिर्फ एक 4 पे लाता है, इसको ढीला करना है। अभी फिर ये निकल गया, लेकिन एक्चुअली इसको दबाना होता है, ये दिख रहा है, इसको दबाओगे तो आपका सेटअप बाहर आ जाएगा। अब मैं जरा इसको अनप्लग कर लूँ पूरा, ये जो वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये जो बल्ब ले आता हूँ मैं, तो ये बल्ब में एक सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है, अगर आप देख लो, अभी मैंने इसमें शायद फिलिप्स का डाला है क्या बोलते हैं स्ट्रीम वाला, या फिर मेरे हंटर में है किसी ने, तो इसका सेटअप देखो ना बिल्कुल H4 जैसा है, कट टू कट, तो आपको कुछ बदलना नहीं, ना डस्ट का निकालना। हाँ, फोनिक्स जो ल्यूमक्स वाला है उसमें आपको पीछे का डस्ट कवर निकालना पड़ता है, वो नहीं चलेगा। ये भी स्ट्रीम वाला ही है, फोनिक्स का ही है, देखो येल्लो सॉरी ब्लू लाइट वाला है, ठीक है, थोड़ा येल्लोइस्ट है। अब मेरे पास स्ट्रीम भी है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक दे दूंगा। आपको सस्ते में चाहिए तो ऑप्शन, मैं फ्लिप्स का इस्तेमाल किया था, वो काफ़ी मतलब ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव ही है। आप देखिए, आपको अगर डिफरेंस भी ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, H4 नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ अब इसको लगाएंगे तो एक ये भी अच्छा ऑप्शन है मार्केट में। कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो जो अगर आप 60 वोल्ट के अच्छे वाले प्रीमियम बल्ब मिल जाएंगे तो कॉस्टिंग कम है, तो मैं अभी थोड़ी ज़्यादा है तो उसके सामने भी बराबर है। अगर आप एलईडी के शौकीन हैं, तो मैंने नाइट आई भी चलाई इसके अंदर, अच्छा था, फिर उसको मैंने अपने कार में डाल दी। अब मैं इसको जरा सेटअप कर लूँ, देखो डस्ट गार्ड भी मतलब मस्त हो गया, अब ये डस्ट गार्ड लग गया। अब यहाँ पे आते हैं और जो असेंबली है पूरी 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 लगा लेते हैं, तो अपना इसको पूरा लेते हैं, स्टैंड करके शूट कर रहा हूँ। ये कपलर इसे मैंने कट ऑफ डाला है कि जैसे कि हेडलाइट आपकी बंद हो जाए, अभी तक आप ना चालू करो, मैं डीपी है मेरा वो भी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना उसको भी, तो इसको चालू करना पड़ेगा। पूरा सेटअप कर दिया, ठीक है, पूरा फिट हो गया। ये बल्ब आपको ऐसा दिख रहा होगा अंदर से, इसका बल्ब है, आप चालू करते हैं। नीचे जस्ट फिलामेंट की तरफ, और बाकी जो आप नाइट आई को देखोगे तो धीरे धीरे दो जलेंगे, फिर लास्ट में ऊपर चलेगा, तो नाइट
हाई बीम लो बीम हाई बीम उतनी इफेक्टिव नहीं थी। अब मैं नाइट बीम इसको आपको नाइट बीम दिखाता हूँ, ठीक है, और काफ़ी अच्छी है, प्राइसिंग भी अच्छी है, ठीक है। अब नाइट बीम मिलती है अपने, तो अभी अपने खड़े हैं, अंधेरा वाला रोड है, देख लो व्यू, ठीक है। गाड़ी करते हैं चालू, इसका लो बीम भी बंद हो जाएगी, उसमें डाला है कटअप, उसमें चालू करेंगे पहले हाई बीम भी, हाई बीम है इसका, मैं आपको चला के दिखा दूँगा इसका लो बीम। अब इसको लेने का फ़ायदा क्या होता है आपको इससे मैं दिनों बता दूँ, इसका लो बीम नीचे मतलब पिरामिड की तरह, फिर हाई बीम ऊपर ऐसे मतलब ऊपर नीचे करके ऐसे, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसमें दिखा दूँगा, स्टैंड पर दिखा दूँगा गाड़ी, सामने सब पाइए कर दूंगा, बंद कर दी गाड़ी, लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। काफ़ी इसकी लाइफ भी आवर्स भी अच्छी है, मैं ओसराम फिलिप्स तीनों कर डाल दूंगा, और रेंज आपको आगे पीछे है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, ऐसे लुमेक्स भी इंडियन प्रोडक्ट है, तो आप जा सकते हो। जो नाइट आई में ड्रॉबैक थे वो निकल गए, जैसे डस्ट का आप नहीं लगता है, या फिर फैन की प्रॉब्लम है, ये इसका हाइट का प्रॉब्लम आता है, जैसे एवेंजर में भी वो छोटी है, हंटर में भी छोटी जगह है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, और इसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी लगी है। और अपनी ये गाड़ी में थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा क्या होता है, गोल लाइट इसकी, तो आप अगर आप जीप के भी हो तो उसमें भी इसको डाल सकते हो, हाई वोट का लेकिन, ठीक है। इसी लिंक आएगी मैं शेयर कर दूँगा, चीज़ आपको मेरी पसंद आई हो जैसे कि मैंने वीडियो में शेयर किया, तो आप लाइक कर लो, आप मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, आप मेरा पुराना चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, मैं लिंक दोनों चैनल की दे दूँगा, देख लेना, ठीक है। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।